हाय, अभी तक हमने सीखा DCF मॉडलिंग में कि हम वैक कैसे निकालेंगे, हम बीटा कैसे निकालेंगे, हम पीयर बेंचमार्किंग के थ्रू बीटा कैसे निकालेंगे। आइए उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और अब हम सीखते हैं फोरकास्टिंग करने का तीसरा नया तरीका, विच इज़ योर इंट्रेंसिक फोरकास्टिंग। ठीक है, क्योंकि इसी इंट्रेंसिक फोरकास्टिंग को बेस करके मैं पूरा DCF मॉडल अगले सेशन में कंप्लीट कर दूंगा, होपफुली, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। हाई, दिस इज़ पार्थ वर्मा एंड वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले एक मिनट, मैं दो बातें आपसे करना चाहता हूँ। फर्स्ट इज़, हमारा इंस्टाग्राम चैनल पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। आप प्लीज़ 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 कमेंट में जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लो, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज़, ये आई बटन यहाँ कहीं आ रहा, इधर आ रहा होगा आई बटन, ठीक है। यहाँ पर जाके आप लिंक्डइन कोहर्ट मेंटरिंग वाला वीडियो ज़रूर देखो। नया मंथ का, नेक्स्ट मंथ का लिंक्डइन कोहर्ट बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। हम लोग सिर्फ 40 सीट्स रखते हैं एवरी मंथ एंड वेरी सून बहुत जल्दी भर जाती है। तो इफ़ यू थिंक दैट यू वांट टू चेंज योर लिंक्डइन गेम फॉर एवर एंड यू नीड माय 1 month लॉन्ग मेंटरिंग इन दैट, लाइक रियल मेंटरिंग इन दैट, देन यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग दैट कोहर्ट। ओके, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो हमने ये शीट कंप्लीट करी थी, हमने पूरा वैक कंप्लीट करा था, ऐसे करके हमने पूरा का पूरा वैक बनाया था। कोई मुझे कमेंट में बोल रहा था कि आपने मार्केट कैपिटलाइजेशन को इक्विटी वेट ले लिया है। ओके, बट ठीक है, आई बिलीव जो मैंने किया है वो ठीक है यहाँ पर। ओके, नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड गाइज, एक बात आप समझना यार, ये हम लोग है ना बहुत सिंपल और बेसिक मॉडल बना रहे हैं। ये पूरी सीरीज़ जो है, ये मतलब डोंट कंसिडर कि आपको कोई फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्सपर्ट बना देगी। आपको ये चीज़ भी समझनी होगी कि आपको लाइफ में क्या मॉडलर बनना है या आपको एनालिस्ट बनना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट बनना है या वैल्यूएशन एनालिस्ट बनना है। अगर आपका गोल है कि आपको मॉडलर बनना है तो ये पूरी सीरीज़ आपके लिए नहीं है। आप बेसिक सीख सकते हो, बट इससे आगे और एडवांस है जो शायद मैं लेके आऊँगा फ्यूचर में, बट मुझे बहुत जल्दी दूसरे भी बहुत अच्छे सीरीज़ स्टार्ट करनी है। सो व्हाट आई विल डू इज़ एंड वॉट यू शुड डू इज़, देखो ये हमारा पूरा, हमने एक वैक का मॉडल बनाया, उसके लिए हमने डेटा रूम बनाया अपना एंड ये हमने पूरा का पूरा रिग्रेशन के थ्रू बीटा निकाला, फिर कंपेरेबल्स के थ्रू बीटा निकालना बताया, देन हमने RM निकाला, फिर ये हिस्टोरिकल FS जो हमने पहले एक बार कभी बनाया था आपको अगर याद हो तो, ठीक है। तो ये पूरा हमारा हिस्टोरिकल FS है एंड ये एक डेटा शीट है, बेसिक डेटा शीट है जो स्क्रीनर से डाउनलोड होती है। व्हाट आई विल डू इज़, मैं ना एक सेक्शन और खींचता हूँ यहाँ पर, विच आई विल क्रिएट डेटा रूम। ओके, मैं डेटा रूम का एक सेक्शन बनाता हूँ एंड डेटा रूम का सेक्शन बना के व्हाट आई विल डू इज़ आई जस्ट डू दिस एंड मैं इसको कलर कर देता हूँ और मैं इस शीट को, इसको कुछ भी छेड़ना नहीं है बॉस, आपको यहाँ लिखा हुआ है ऊपर उसने, प्लीज़ डोंट मेक एनी चेंजेस टू दिस शीट, शुड नॉट डू इट एट एनी कॉस्ट, सो जस्ट डू इट नो कलर। नाउ व्हाट वी नीड टू डू फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इज रॉ FS। ये यार, ये थोड़ा मैनुअल काम होगा बट ये करना पड़ेगा आपको एंड यू हैव टू डू इट, देर इज़ नो अदर ऑप्शन। अपने क्या करना है ना, अपनी स्क्रीनर में जाना है, सिंपल सा लॉजिक है, पहले समझ लो क्या करना है, ठीक है। अपने को स्क्रीनर में जाना है, अपने स्क्रीनर में जाके कोई भी एक कंपनी टाइप करनी है, मैंने एशियन पेंट्स कर दी, कोई भी एक कंपनी टाइप कर दो जो भी आप वैल्यू कर रहे हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस छोड़ दो अभी के लिए, बैलेंस शीट पे आ जाओ। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट को पूरा का पूरा अनकोलैप्स कर दो। तो ये बैलेंस शीट आपको ऐसे फॉर्मेट में दिखेगी, राइट, ऐसे फॉर्मेट में दिखेगी। इसको पूरा का पूरा मेरे को अनकोलैप्स करना है। तो मैंने बोरिंग्स खोल दिया, मैंने फिक्स्ड एसेट्स खोल दिया, मैंने अदर लाइबिलिटीज़ खोल दिया। ये सबसे ईजी तरीका है, मतलब लोग नहीं तो कैपिटल आई के बोलेंगे आपको, बट दिस इज़ द बेस्ट वे जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा है एंड आप यहाँ से खींच के बढ़िया कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ऐसे सिलेक्ट करना, यहाँ तक सिलेक्ट करना, कॉपी करना, अपनी उस शीट के अंदर अपन आ जाएंगे, B2 पे जाएंगे जो हम हमेशा करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट V एंड ये टेक्स्ट को ओके कर देना। तो ये पूरा का पूरा आपका शीट यहाँ रेडी हो गया है, ठीक है। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं क्या करूँगा, मैं इसमें सिंपल सा वही चीज़ करूँगा जो हमेशा हमारी ड्रिल होती है जो हम करते हैं, 1.15 एंड इसको Alt HOI
तो ये अनकोलैप्स हो गया। ठीक है, अब एक बार जाके है ना वहाँ से देख लेंगे कि हेडर्स क्या हैं, एंड उसके हिसाब से विल जस्ट डू दैट। फटाफट करते हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल में सिर्फ शेयर कैपिटल है, तो एक काम करते हैं ना, इसको हटा ही देते हैं इस लाइन को, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ मैं लिख देता हूँ पर्टिकुलर्स और मार्च 22 तक की चाहिए मेरे को, सितंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। शुड बी एंड आई जस्ट डू दिस, नॉट दिस एक्चुअली, ये वाला कलर है। ओके एंड आई विल डू वाइट, इसको मैं वाइट कर दूंगा। ठीक है, एंड एक लाइन नीचे छोड़ देंगे, ऑल्ट एच चेंज कर देंगे। चलो परफेक्ट, तो ये मेरा इक्विटी कैपिटल हो गया, मेरा रिजर्व। ओह शाबाश, ऐसे भी कर सकते हो, ये ज़्यादा इजी तरीका लगा मेरे को। कंट्रोल वी कर देना डायरेक्टली तो पेस्ट हो जाएगा, बट ठीक है, अपन ने कर लिया है तो जस्ट नीड टू डू दिस। ठीक है, बोरिंग्स जो है वो बोरिंग्स में व्हाट आई विल डू इज, मैं बोरिंग्स में इन दोनों का टोटल है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। 229 आ रहा है ना टोटल, हाँ, तो अदर बोरिंग्स तक आ रहा है 233, करेक्ट। ठीक है, तो मैं बोरिंग्स में क्या करूँगा, ये वाला बोरिंग हटा दूंगा पूरा, एंड मैं इसको हेडर दे दूंगा नॉर्मल बोरिंग्स, सब मेरा बोरिंग्स है। अदर लाइबिलिटीज़ में आई डू सेम, अदर लाइबिलिटीज़ कितनी आ रही है मेरी, अदर लाइबिलिटीज़ 2189, 290 बराबर है, सेम है। तो मैं इसको एक हेडर दे दूंगा, इसको थोड़ा सुंदर भी बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सुंदरता की ज़रूरत नहीं है इतनी इसमें, क्योंकि ये सिर्फ ऑपरेशनल शीट है। ठीक है, और ये टोटल लाइबिलिटीज़ के बाद मैं एक कॉलम नीचे खींच दूंगा, एंड ये टोटल लाइबिलिटीज़ को मैं पूरा का पूरा हाईलाइट कर दूंगा यहाँ से। ठीक है ना, प्लीज़ अंडरस्टैंड, फिक्स्ड असेट्स है, फिक्स्ड असेट्स में क्या क्या आ रहा है आपका, 2025, ओके कूल। एंड मेरा ये फिक्स्ड असेट्स इज, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ उधर जाके स्क्रीनर पे, तो दिस इज़ योर 2025-3130, ओके कूल। ये मेरा ग्रॉस ब्लॉक है, मैं यही लूँगा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, एंड मैं इन दोनों को हाईलाइट कर देता हूँ, इन दोनों को हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, मेरी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, ये यूनिक है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी यूनिक हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी हाईलाइट कर देता हूँ, सॉरी, इन्वेस्टमेंट्स भी हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स भी हाईलाइट कर देता हूँ, एंड अदर असेट्स हैं, अदर असेट्स को ये हटा के अदर असेट्स हाईलाइट कर देता हूँ, एंड ये पूरा का पूरा मेरा ये हाईलाइट कर देता हूँ। परफेक्ट ना, प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर आपको बहुत सुंदर बनाना है इसको तो अभी बना देते हैं एक मिनट में, कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है यार, आप सीख गए हो आप सब लोग ऑलरेडी। मैंने बॉर्डर खींची, ये वाली बॉर्डर ली, ठक, अरे ये नहीं भाई, ठक ठक, डन। चलो, सुंदर फॉर्मेटिंग करनी है तो नंबर में चले जाओ, कस्टम में चले जाओ, और सुंदर करना है, ज़ीरो हटाना है तो कंट्रोल वन कर दो वापस, कस्टम में चले जाओ, इसके बाद एक सेमी कॉलन दो। ठीक है, ये सब बताया हुआ है बॉस, बहुत डिटेल में बताया हुआ है, आप लोग पुराने सेशन देखे भी ना इधर आ रहे हो, इसलिए आपको अगर डाउट लग रहा है तो आपको इसलिए लग रहा है। परफेक्ट, ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसका है ना, इसका ये कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। चलो, और इसको एज इट इज़ पूरे पूरे पे चेप देते हैं, कंट्रोल वन, कस्टम, परफेक्ट। तो इससे क्या हुआ, मेरा जितना भी ज़ीरो था ना, वो ज़ीरो की जगह अभी ये डैश आ गया, थोड़ा सुंदर लग रहा है और कुछ भी नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, अब कैसे करना है वो समझ लेना थोड़ा सा।
ये वाला सोल वन बॉडो भाई, फॉर्मेटिंग भी ज़रूरी है, मैं वैसे नहीं करता हूँ, आपको पता है मैं स्लो लर्नर। अब 2x पे देखो, 3x पे देखो, 4x पे देखो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं मेरी स्पीड पे चलूँगा यार। ठीक है, इट्स ओके टू बी स्लो, क्या प्रॉब्लम है। ये ग्रॉस ब्लॉक हो गया, इसमें मैं एक एडिशन और दे दूंगा, जिसमें दिस, एंड इसको मैं कर दूंगा नेट ब्लॉक। चलो वन अगेन, आई एम गोइंग दिस। आप धीरे धीरे देखो, आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं थोड़ा फास्ट करूँगा। हाँ जी, मेरी शीट पूरी तैयार हो गई है। ये रॉ है, ठीक है, ये रॉ है, ये आपको हर बार जब भी आप अपनी किसी कंपनी का मॉडल बनाओगे आपको बनाना पड़ेगा। अब अपन क्या करते हैं ना, अपन रियल काम करते हैं आरएम के बाद, और हिस्टोरिकल एफएस भी मैं डेटा रूम में डाल देता हूँ इधर, ठीक है, या इसको इधर भी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं अब एक नई शीट इंसर्ट करता हूँ, विच इज़ योर वर्कशीट। ओके, एंड व्हाट आई विल डू इज़ आई विल इधर कर देता हूँ इसको इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, थोड़ी सी हवाबाजी कर लें, आपकी इजाज़त हो तो। नहीं, आप बोलो तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो जी, ठीक है ना, प्लीज़ अंडरस्टैंड, इंट्रिंसिक ग्रोथ में अपने क्या करना है वो समझ लेंगे ना एक बार, मैं भी थोड़ा रिलैक्स होके बताता हूँ, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से मेन लर्निंग अपनी शुरू हो रही है। ठीक है, तो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज़ इंट्रेंसिक लर्निंग में अपने को सबसे पहले आप ये समझ लो इंट्रेंसिक ग्रोथ कैसे निकलेगी। ठीक है, तो जो इंट्रेंसिक ग्रोथ है ना, वो ग्रोथ ऐसे निकलती है, ये मैंने शायद DCF के फर्स्ट सेशन में भी समझाया है, कि री इन्वेस्टमेंट आप जितना ज़्यादा करोगे, ठीक है, ग्रोथ आपको फ्यूचर में उतनी ज़्यादा मिलेगी, सब्जेक्ट टू कि योर रिटर्न ऑन कैपिटल शुड बी मोर देन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इससे आसान मैं भाषा में इस समय आप लोगों को नहीं बता सकता, ठीक है, इतने कम टाइम में। तो ये फंडा अपने करना है, तो अपने को दो तीन चीज़ें इसमें निकालनी है। इसका मतलब ये है कि जो ग्रोथ का फॉर्मूला होता है वो आप लोगों ने सुना होगा, जी इंटू आर का फॉर्मूला होता है, बी इंटू आर बोलते हैं वैसे उसको, जिसमें रिटेंशन रेशियो इंटू रिटर्न ऑन इक्विटी निकलती है, तो वो ग्रोथ फॉर इक्विटी शेयर निकलता है। अपने को ग्रोथ फॉर बिजनेस निकालना है, तो ग्रोथ फॉर बिजनेस निकालना है तो रिटेंशन रेशियो की जगह अपन क्या निकालेंगे, री इन्वेस्टमेंट रेट निकालेंगे, री इन्वेस्टमेंट रेट कि बिजनेस में कितना री इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, क्या रिटर्न ऑन कैपिटल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो बिजनेस का ग्रोथ रेट निकल जाएगा, बिजनेस का इंट्रेंसिक ग्रोथ रेट निकलेगा। ठीक है, तो अपने को अभी यही अपना टारगेट है जो हमें पूरा करना है, एंड मैं पूरा स्क्रैच से शुरू कर रहा हूँ, तो अपन है ना सीधे स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करें। एंड व्हाट वी विल डू इज़ इसको खींच के ठक ठक कैलकुलेशन ऑफ रॉइक। ठीक है, कैलकुलेशन की स्पेलिंग गलत हो गई भैया, क्या कर रहे हो। चलो, हाँ जी, करंट सबसे पहले क्या करना है भाई, सबसे पहले का काम ये करो कि एक चीज़ इसको थोड़ा सा है ना अभी के लिए इधर ले आओ पास में, क्योंकि बार बार इस पे जाना पड़ेगा। ठीक है, और हम एक काम करते हैं, हम लास्ट 5 ईयर्स का ही लेके चलते हैं, तो मार्च 18 से मार्च 22 तक, लास्ट 5 ईयर्स का अगर अपन ने कर लिया तो इट विल बी गिव अस
अब एक डिसेंट अपने को मिल जाएगा 1 2 3 4 5 तक, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, आइडियली ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे को, आप लोग डांटो मेरे को कि आप गलत कर रहे हो सर, ऐसा नहीं करना है आपको, आपको ऐसे करना है, ठीक है। यार मैं हमेशा अपने आप को इसलिए सुधारता हूँ ताकि आप मेरा एग्जाम्पल लेके ना गलत चीज़ें करने लग जाओ, ना वो थोड़ा गलत हो जाएगा। करंट असेट्स, प्लीज़ अंडरस्टैंड, करंट असेट्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं वो देखो, ये फिक्स्ड असेट्स हैं मेरे पास और ये मेरे पास करंट असेट ही नीचे तो इन्वेंट्रीज़ हैं, ठीक है, मेरे पास सीधे सीधे ट्रेड पेबल है, कैश इक्विलेंट है, कैश इक्विलेंट है तो मैं कैश इक्विलेंट इग्नोर करूँगा क्योंकि कैश इज़ अ नॉन ऑपरेटिंग असेट, ठीक है। ये सब चीज़ें यार मैं वही बोल रहा हूँ आपको, मैं मॉडल सिखा रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली, इट्स नॉट द वैल्यूएशन पार्ट अभी एज ऑफ नाउ, लेकिन आप पहले मॉडलिंग सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई नो आप लोगों को बहुत इच्छा होती है मॉडलिंग सीखने की, तो पहले मॉडलिंग सीख लो, लोन्स एंड एडवांसेज ये शॉर्ट टर्म होंगे मैंने एज्यूम किया है, एंड अदर असेट, ठीक है। जब मैंने एक बार ये ले लिया है तो मैं मार्च 18 पे, ये बहुत ध्यान रखना है यार कि मार्च 18 से ही उठाएं हम डेटा, ठीक है, फिर मार्च 18 है, एक काम ही करें ना यार, सिंपल सा लॉजिक है, इसको साला फ्री स्पिन कर दो ताकि कोई टेंशन ही ना आए, ठीक है, परफेक्ट। यप, मार्च 18 का, और इसको भी यहाँ से फ्री, इसको मत करो, चलो छोड़ो ये तो, क्योंकि इसके नीचे काफ़ी सारी चीज़ें और आएंगी अभी। तो इन्वेंट्रीज़ में जाके मैं क्या करूँगा, रॉ एफएस में जाऊँगा एंड मार्च 18 का इन्वेंट्री यहाँ पिकअप कर लूँगा। फॉर्मेटिंग अभी छोड़ दो, फॉर्मेटिंग संभाल लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल इसके नीचे ही था तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट पेस्ट ट्रेड रिसीवेबल। लोन्स एंड एडवांसेज मेरे को फिर पिक करना पड़ेगा वहाँ से जाके, क्योंकि मैंने बीच में कैश इक्विवेलेंट मिस कर दिया था ना, और मैं इसको यहाँ पर पूरा पूरा पेस्ट कर दूँगा। जब ये हो जाएगा मेरा तो यहाँ मैं लिख दूँगा टोटल करंट असेट्स, ठीक है, एंड इसको कंट्रोल वन करेंगे, ठक 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 ठक, सिंपल, ठीक है। एंड ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाला कॉलम नहीं सिलेक्ट करना है अपने, लास्ट वाला यहाँ तक करेंगे, एंड अगेन कलर सिलेक्ट करेंगे, डिस टिश 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 टुश, ओके। चलो भाई मेरी टोटल करंट असेट मेरे पास आ गई है, मैंने ऑल्ट इक्वल टू करा है तो सम आ गया, मैं सम कर दूंगा, मेरा सारा का सारा मामला सॉर्ट है। अभी मैं फॉर्मेटिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, फॉर्मेटिंग में एक बार मैं लास्ट में सेट कर दूंगा, ठीक है। अब अपने करेंगे करंट लाइबिलिटीज़, इसको एक काम करो ना यार, इसको एज इट इज कॉपी कर लो, टाइम बचेगा अपना, ठीक है। नाउ व्हाट विल डू इज करंट लाइबिलिटीज, देखो जब भी आप वैल्यूएशन करते हो ना एक बात ध्यान रखना, यू हैव टू फ्लो लाइक अ रिवर, फ्लो लाइक अ रिवर मतलब आपके पास सामने जो डेटा है ना आपको उससे वैल्यू करना है नो मैटर व्हाट। आप बैठ के रो नहीं सकते कि यार मेरे पास ये डेटा नहीं है, मेरे पास वो डेटा नहीं है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है, क्या करंट लाइबिलिटी है, बिल्कुल नहीं। ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी है, बिल्कुल है, उठा लेता हूँ ट्रेड पेबल को, उसके नीचे के तीन भी करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी मैंने अज्यूम किया है, इसको मैंने ठक इंक्लूड किया है और मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें बहुत रिफाइनमेंट होता है मेरे को पता है, बट अभी मैं आपको एक बेसिक, यार आपका डर तो निकल जाए पहले, आप समझ रहे हो, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि यार स्टूडेंट डरे ना फाइनेंशियल मॉडल बनाने से, कुछ भी नहीं है यार, बहुत सड़ी चीज़ है, मतलब क्या ही कर लोगे बना के भी लाइफ में इसको, लेकिन ठीक है आप लोगों को सीखना था तो आई एम हियर। परफेक्ट, फॉर्मूला बिल्कुल सही है, चलो जी ठीक है, और मैं इनको भी बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा ठीक लगेगा, एंड मैं इसको फ्री स्पिन कर देता हूँ, नाम चमकना चाहिए, अरे नहीं भैया ऐसे नहीं, यहाँ से फ्री स्पिन, अरे यार यप, अनफ्री स्पिन, बहुत पेन दे रहे हो आप, चल अपना नाम कहाँ गया, अबे यार टूटे हो गए हैं,
चलो चलो अब रहेगा ऊपर, होना चाहिए ना ऊपर, नहीं होना चाहिए, देख लो यार अपने हिसाब से लगा लो सही से। नेट वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, सोचने की जरूरत है, बताने की जरूरत है नहीं है। क्या ये नेगेटिव आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। पॉजिटिव आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। जीरो आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। उसमें क्या इतना सोच रहे हो? कंट्रोल वन, ऊपर बारीक नीचे मोटा, कंक्लूड हुआ ना नेटवर्किंग कैपिटल, कंक्लूड हुआ ना इसीलिए। ठीक है, तो अब मैं इसके यहाँ पर एक हैशटैग लगा दूंगा, वो आपको पता है क्यों लगाया है। ठीक है ना, अंडरस्टैंड? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं मेरे नॉन करंट एसेट्स यहाँ प्लॉट करूँगा। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज मैं इसी को कॉपी करता हूँ नीचे, एंड पूरे कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पेस्ट करता हूँ, एंड व्हाट आई विल डू इज नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स मैंने जब प्लेस करे हैं, एंड मैं यहाँ से उठाता हूँ, देखता हूँ जाके नॉन करंट असेट्स, ये मेरा नॉन करंट असेट है, लैंड इज नॉन करंट असेट। ठीक है, अब समझना, एंड मैं इसमें थोड़ी जगह स्पेस दे रहा हूँ नीचे, मैंने सिर्फ रो इंसर्ट करी है ताकि फॉर्मेटिंग बनी रहे, और फिर मैं बाद में उसको सॉर्ट कर दूँगा। कहाँ तक आ रहा है नॉन करंट असेट? इधर तक आ रहा है। ठीक है, अदर फिक्स्ड असेट्स तक चेक कर लें एक बार, कर लो यार, अदर फिक्स्ड असेट्स तक आ रहा है, एंड ये मेरा ग्रॉस ब्लॉक बन रहा है। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है बॉस, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, दिस इज एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, तो आपको वो भी पूरा लेना पड़ेगा। ओके नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, लैंड मार्च 18 था, चलिए ये हो गया। अब मुझे क्या है ना, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है कुछ भी, चलो इसको मैं थोड़ा सा छोटू कर देता हूँ। चलिए ना, इसको मैं कर देता हूँ ग्रॉस ब्लॉक, फोर 7 0 5 आ रहा है, परफेक्ट है। चलो उधर तक टान देता है। ठीक है, फिर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, नेगेटिव लेके आ जाते हैं, बेटर है, नेगेटिव लेके आ जाते हैं। तो मैंने इक्वल टू नेगेटिव साइन लिया है, एंड देन आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट, तो ये पूरा नेगेटिव आ गया है। ठीक है, एंड नीचे मैं लिख देता हूँ नेट नॉन करंट असेट्स। And perfect. What I will do now is वही सेम चीज़ जो पहले करी थी, ऊपर से उठा लो अगर हो रही है तो, ये ना यहाँ से उठा लो, इसको कॉपी कर लो, एंड कॉपी करके इधर कंट्रोल ऑल्ट वी, ना बाबू कंट्रोल ऑल्ट वी, एंड कंट्रोल ऑल्ट वी करके मैं सीधे इसको करूँगा टी, टी इज़ फॉर पेस्टिंग द फॉर्मेट्स। ठीक है, तो नॉन करंट नॉट नॉन नेट नॉन करंट असेट मेरी प्लॉट हो गई है। ठीक है ना, प्लीज़ अंडरस्टैंड, मेरे बिजनेस में एट अ टाइम मेरा कितना पैसा लगा हुआ है। ठीक है, इन्वेस्टेड कैपिटल मेरी क्या है, क्या मेरी इन्वेस्टेड कैपिटल मेरी नॉन करंट असेट है जो नेट मैंने लगा रखी है, वो है, प्लस मेरा नेटवर्किंग कैपिटल है जो ब्लॉक्ड है बिजनेस के अंदर, तो ये दोनों चीज़ें मेरी ब्लॉक्ड है। 5321 7982 8708 8792 12247। ठीक है, बढ़ रहा है कंटिन्यूसली। एशियन पेंट्स यार हर 3 साल में डबल कर देता है बिजनेस अपना। ठीक है, अब जाके देख लो, मतलब पिछले 15-20 साल से तो यही चल रहा है। ठीक है ना, जब मेरा ये कंप्लीट हो गया तो मैं इसको भी
बोल्ड करूँगा, यहाँ पर मैं एक हैशटैग लगाऊंगा एंड मैं एक हैशटैग यहाँ लगाऊंगा, ये सब चीज़ें मेरे को चाहिए, पता है हैशटैग, देखो ये इसलिए हैशटैग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। व्हाट आई वुड डू इज, नाउ आई वॉन्ट टू प्लॉट इज इबिट, ई बी आई टी मेरे को प्लॉट करना है। अब समझना, अब जो ई बी आई टी प्लॉट करेंगे ना, वो कैसे करेंगे, मैंने क्या करा, मैंने हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये टाटा मोटर की हालांकि, लेकिन व्हाट वी हैव टू डू इज, अपने इबिट का कैलकुलेशन नहीं कराना, वो कर सकते हैं, नहीं वो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब इट्स नॉट समथिंग विच इज़, चलो पहले वो कैलकुलेट कर देते हैं इबिट को एंड देन वील कंटिन्यू डूइंग इट। हमने इबिट का कैलकुलेशन नहीं करा है, तो हमको सबसे पहले रॉ एफ एस में ही आना है, रॉ एफ एस में तो है भी नहीं ना हमारे पास। इबिट के लिए क्या करेंगे, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ, ये तो बहुत ईजी है, आप एक काम करना, ये तो बहुत ईजी है, मैं बता देता हूँ कैसे होगा, ठीक है। एनी वेज इसको स्क्रीनर पर अपलोड तो करना ही है, ठीक है। तो अब ये टाटा मोटर्स का ज़रूर है, लेकिन आपको पता है डेटा शीट से लिंक्ड है, मैं जैसे इसको स्क्रीनर पर अपलोड करूँगा, ये जिस कंपनी का बोलूँगा उस कंपनी का हो जाएगा, ठीक है। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, मेरे पास एबिटडा है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसमें मेरे को डिप्रिसिएशन ऐड करना है और रिड्यूस करना है, ठीक है। तो क्या जाएगा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ओके, तो इन दोनों का मेरे को एडिशन लगाना है, चलो परफेक्ट। सो माय इबिट विल बी इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, एफ एस में गए, हिस्टोरिकल एफ एस में गए एंड मार्च 18 का मैंने ये लिया है, यहाँ पर अर्निंग बिफोर टैक्स के अंदर इंटरेस्ट ऐड कर दो या एबिटडा में से डिप्रिसिएशन रिड्यूस कर दो, जो करना है वो कर दो, मैं अर्निंग्स बिफोर टैक्स के अंदर इंटरेस्ट ऐड कर रहा हूँ, H27, यस डन। ये इबिट एशियन पेंट्स का नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, दिस इबिट डज नॉट बिलोंग्स टू एशियन पेंट्स, ये इबिट हमारा अभी टाटा मोटर का है, लेकिन जब हम इस पूरे मॉडल को स्क्रीनर पे अपलोड कर देंगे तभी एशियन पेंट का बन जाएगा इबिट ऑटोमेटिकली। डेटा शीट से लिंक है ना, डेटा शीट से लिंक है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल्स, ठीक है। चलिए भावनाओं को समझो यार, आप लोग गलती वही करते हो, ठीक है चलो। एनीवेज हाँ जी, तो जब मेरा ईबिट निकल गया तो जो मेरा आरओआईसी होता है ना, माय रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, ठीक है, माय रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल इज नथिंग बट माय अर्निंग्स बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय ईबिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल। अभी ये थोड़ा ऑड आएगा, डोंट वरी, क्योंकि मैंने आपको बोला कि इट्स नॉट रिलेटेड टू समथिंग विच यू आर डूइंग, ठीक है। हमने सिर्फ डेटा को ईज करा है कि एबिट के लिए मेरे को पूरा, नहीं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वापस रॉ डाउनलोड करना पड़ता ना, ये भाई मतलब इनकम स्टेटमेंट में डाउनलोड करना पड़ता, आपको करना है वैसे करके निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, एबिट निकालना बताया ही है, जब यहाँ तक बता दिया था लास्ट सेशन में निकालना, तो आप एबिट भी निकाल सकते हो। चलो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, डोंट एक्सपेक्ट स्पून फीडिंग, आई एम नॉट गोना डू दैट, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि सर ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही, आप कॉल करके समझा दो, अब ऐसा थोड़ा ना होता है भाई, ठीक है, दिमाग लगाओ यार, करो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर मोटा, ठीक है। स्लो लर्नर बनो यार, डोंट ट्राई टू यू नो लर्न एवरीथिंग इन वन गो, मतलब इट वोंट टेक यू टू प्लेसेस, आई डोंट, ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू कैसे करना है आपको ना, प्लीज़ अंडरस्टैंड। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर री इन्वेस्टमेंट रेट निकालना है, तो मैंने कैलकुलेशन ऑफ रॉइक करा है, ऐसे ही मैं सेम नीचे आ जाता हूँ एंड मैं यहाँ करता हूँ कैलकुलेशन ऑफ री इन्वेस्टमेंट रेट, चलिए कैलकुलेशन ऑफ री इन्वेस्टमेंट रेट में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे नेट कैपेक्स, नेट कैपेक्स क्या, नेट कैपेक्स ओके, इसको ऊपर से टान दो बिल्कुल बराबर, चलो आइडली गलती क्या हो गई पता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ जब मैंने कॉपी किया तो बता देता हूँ, मैंने उसकी एंकरिंग नहीं करी, मेरे को उसको एंकरिंग कर देना था ऐसे, लेकिन फिर क्या होता है, एंकरिंग करता तो मेरे को सबका एंकरिंग करना पड़ता, मैंने नहीं करा, ठीक है। आई होप आप करना, तो आप सबका एंकरिंग कर देना तो वो हमेशा फिक्स रह जाएगा, या फिर आप एक काम और कर सकते हो कि आपको सिर्फ टू की एंकरिंग करनी है, जे की नहीं करनी है, ये भी कर सकते हो। तो ये क्या होगा, ये मार्च 2022 तक आ गया और ये प्रॉपर एंकरिंग हो गई, ठीक है। अब इसको आप कॉपी करोगे
एंड आप नीचे लाओगे तो भी वो प्रॉब्लम तो देगा। परफेक्ट, चलो ना, मेरा नेट कैपेक्स है क्या? मेरा नेट कैपेक्स मैंने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, थोड़ा रफ है बट हाँ आप समझ जाओगे तो कर लोगे आराम से, ठीक है। क्या मेरा नेट कैपेक्स मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ये रहा मेरा नेट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हुआ है वो मेरे को कहाँ से मिलेगा, एक मिनट रुकना, वो मुझे इधर से मिलेगा बॉस, ऊपर से कैलकुलेट नहीं किया, यहाँ से मिलेगा, ठीक है। अब मुझे इसके लिए एक चीज़ और करनी पड़ेगी, मेरे को यहाँ पर कैश फ्लोस प्लॉट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कैश फ्लोस प्लॉट करूँगा तो मैं वही करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से पूरा। अब ये सुंदरता का काम आपको करना है, दूसरा जो है, ठीक है, सुंदरता नरता सब आप संभाल लेना, इसकी कैसे करनी है। एंड वॉट विल डू इज़ मैं इसके नीचे यहाँ पर उसको कंट्रोल ऑल्ट वी करके टेक्स्ट करके या कंट्रोल वी करके प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है। अब कोई बहुत ज़्यादा वैसा काम नहीं है लेकिन आप कर सकते हो जाएगा आपसे, मेरे को पता है यार, शेर अच्छे हो यार आप लोग, कर लोगे, ठीक है ना, समझना। चलिए मुझे क्या चाहिए, मुझे नेट कैपेक्स चाहिए। मेरा नेट कैपेक्स कहाँ से मिलेगा मेरे को? कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड असेट्स परचेस्ड, फिक्स्ड असेट्स सोल्ड, ठीक है, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा मैंने कोई कैपिटल, ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाया जो बिज़नेस में है, जो बिज़नेस के लिए है, जो बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी है, इन्वेस्टिंग आइटम है, ओके। तो फिक्स्ड असेट्स परचेस्ड, फिक्स्ड असेट्स सोल्ड, ये मेरा नेट कैपेक्स है। एंड ठीक है, परफेक्ट। कुछ और होगा तो मैं वो भी इंक्लूड करूँगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी के लिए मेरे को ये दिख रहा है कि इसमें है। आपकी कंपनी में कुछ दूसरा हो सकता है तो आपको वो इंक्लूड करना है, ठीक है ना। व्हाट विल डू इज़ विल कम ओवर हियर एंड मैं माइनस करूँगा, माइनस करूँगा सम। माइनस क्यों करा है? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, मेरे को यहाँ पर पॉजिटिव में चाहिए, उधर तो आपको नेगेटिव में ही दिखाएगा, रॉ एफ एस में आप जाओगे। और मैं सम लगाऊंगा मार्च 18 का इन दोनों का, दिस और दिस, तो ये मेरा सम हो गया, मेरा नेट कैपेक्स हो गया, ठीक है, ये मेरा नेट कैपेक्स हो गया। नेट कैपेक्स के बाद मेरे को दूसरा चीज़ क्या करनी है, मेरे को अब करना है चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चेंज इन वर्किंग कैपिटल जब मैं करूँगा तब समझना कैसे करना है। ये वाला क्या चेंज मेरे को मिलेगा? नहीं मिलेगा, मेरे को ये वाला चेंज मिलेगा, ठीक है। तो मैं ये वाला चेंज कैसे कैलकुलेट करूँगा? सिंपल सा लॉजिक है भाई, ऊपर आ जाओ वर्किंग कैपिटल में, दिस माइनस दिस, ठीक है, दिस माइनस दिस, मेरा चेंज इन वर्किंग कैपिटल हो रहा है। सॉरी सॉरी, गलती हो गई, चेंज निकालना ना इस साल के मुकाबले क्या चेंज हुआ। तो पहले इतना था मेरा वर्किंग कैपिटल फ्री करा ना मैंने, सर नेगेटिव आ रहा है, परफेक्ट। चलिए इतना हो गया क्या वर्किंग कैपिटल? हाँ भाई बढ़ाया है उसने, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। अब समझना, आप समझ लेना एक बार। नाउ व्हाट विल गोना डू इज विल प्लॉट आर इबिट ओवर हियर अगेन, इबिट, और इसमें टैक्स, जो भी टैक्स रेट है वो प्लॉट कर देंगे। मार्जिनल टैक्स रेट यूजुअली प्लॉट करते हैं, मार्जिनल टैक्स रेट, ठीक है, ये दोनों अपन प्लॉट कर देंगे। एंड सीधे 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 जाके मैं क्या करूँगा भाई, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आराम से चलो, अच्छे से करेंगे, ठीक है। आई एम नॉट इन अ हरी, आई होप दैट यू शुड ऑल्सो नॉट बी इन अ हरी। हम कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं, ये चीज़ें रातों रात आप नहीं सीख सकते हो ना, प्लीज़ अंडरस्टैंड। इबिट मेरा ऊपर से मैं ले लूँगा, ये रहा, ठीक है। और ये एबिट मैंने ऊपर से लिया, आपको पता है ये एबिट अपना टाटा मोटर्स का, एशियन पेंट्स का नहीं है, ठीक है, जस्ट सेइंग दैट। मेरे से गलती हो गई, मेरे को टाटा मोटर्स का लेना था लेकिन उसमें लॉसेस वॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। बात वो नहीं कि आप लॉसेस से नहीं निकाल सकते लेकिन वो ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाता है। बेसिक हमेशा आप क्लियर सी, बेसिक हमेशा सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करो यार, कॉम्प्लिकेशन आप नेक्स्ट स्टेज पर लेके आओ। मैं आप बोलोगे मैं आपको लॉस मेकिंग कंपनीज का फाइनेंशियल मॉडलिंग करना भी बता दूंगा, बट अगेन पहली बार बताऊंगा तो शायद उड़ी जाएगा दिमाग से,
ठीक है, 25%। इसको मैं सीधा सीधा इधर लेके आता हूँ, एंड व्हाट आई विल डू इज इसको ये कर देता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ। चलो, पता है आपको ये क्यों करा है? पता है ऑलरेडी। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, मेरा जो री इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है, मेरा री इन्वेस्टमेंट कितना है, मैंने बिजनेस में कितना पैसा डाला है इस साल, ठीक है, तो 18 काउंट नहीं होगा क्योंकि 18 के लिए मेरे पास चेंज इन वर्किंग कैपिटल नहीं है, तो मैं इसको जीरो नहीं ले सकता, ठीक है, मैं यहाँ से काउंट करूँगा। चार साल का भी लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड, मेरा री इन्वेस्टमेंट रेट कितना है, माई री इन्वेस्टमेंट अमाउंट वुड बी दिस, सम कर लें डायरेक्टली इन दोनों का टोटल, ठीक है, ये मेरा री इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, ठीक है, मेरा री इन्वेस्टमेंट रेट, इसमें एक चीज़ और रह गई अपनी, फॉर्मेटिंग पूरी सुधारवा दूंगा आपकी यार। चलो ठीक है, री इन्वेस्टमेंट रेट मेरा, री इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना है। अब माय री इन्वेस्टमेंट रेट, मेरा री इन्वेस्टमेंट रेट जो कैलकुलेट होगा ना वो इस पे होगा, ये गलत आ रहा है अभी, मैं वही बोल रहा हूँ, आप इसको एक बार अपलोड कर दोगे ना, अभी करके बता दूंगा मैं आपको, तब वो सही रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। मेरा री इन्वेस्टमेंट रेट क्या हो गया, मेरा री इन्वेस्टमेंट रेट ही हो गया। मेरा पिछले चार साल का एवरेज री इन्वेस्टमेंट रेट अगर मेरे को निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं बड़ी बात है, आपको भी पता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, फोर ईयर एवरेज, हाँ जी, ठीक है, वैसे इसको कर देंगे फोर ईयर मीडियन, ठीक है, ये दोनों मेरा हो जाएगा, कंट्रोल भी यहाँ पर मैंने टांग दिया उसको साइड में। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, और एक काम मैं और करता हूँ, व्हाट आई विल डू इज इसको एक लाइन ड्रॉप करता हूँ ताकि ये पूरा क्लियर कट रहे मेरा। कंट्रोल बी, ठीक है। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, अब हम क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट। कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट क्या है भाई? कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट कुछ भी नहीं है। ये बार बार क्यों ऐसे अलग अलग हेडर बना रहे हो, एक साथ ही कर दो ना, कर दो आपको करना है तो। मैं तो आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो प्रोफेशनल है करने का। री इन्वेस्टमेंट रेट, रॉइक, ठीक है, इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैंने निकाली। अब समझना, यहाँ पर मैं री इन्वेस्टमेंट रेट ये ले लूँ, लिंक करके चलना पड़ेगा नहीं तो डेटा शीट काम नहीं करेगी, ठीक है। रॉइक, रॉइक 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 ये रहा रॉइक। तो इंट्रेंसिक ग्रोथ रेट मेरा क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस। ओ माय गॉड, करते जाओ करते जाओ करते, या तो ऐसा कर लो या कॉपी कर लो और सीधे फॉर्मेट पेस्ट कर दो, इसको वहाँ पर छोटू कर देता है। हाँ भाई, चलिए जी, थोड़ा संभाल लें फॉर्मेटिंग, अब फॉर्मेटिंग संभाल लें थोड़ी सी। एक काम करते हैं, इसको जहाँ तक नीचे आ रहा है वहाँ तक तो आने दो, टनने दो इसको,
परसेंटेजेस का ध्यान रखना, बट परसेंटेजेस में एप्लीकेबल नहीं है. टूल वन कस्टम, कस्टम ये वाला मैंने पिक किया, एक डॉट हटाया, सेमी कॉलन लगाया, इसको एज इट इज कॉपी किया, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर सेमी कॉलन लगा, फिर डैश लगा दिया. ठीक है, ये सब मैंने बताया हुआ है पहले से ही आपको, नालायक पंक्ति करना मत बिल्कुल भी. ठीक है, कि ये कैसे हुआ, कमेंट में ये मत पूछना. और कमेंट कर दिया करो यार, क्या करते हो, 5 लोग कमेंट करते हैं मुश्किल से, और लाइक तो कोई करता ही नहीं है. ठीक है, मत करो भाई, हमसे तो बचपन से ही नफरत हुई है. चलो एनीवेज, फटाफट ये कंप्लीटेड है मेरा, इधर मैं आ जाऊंगा, एंड व्हाट आई विल डू इज कस्टम फोर ट्राई करके देखें, हो रहा है. चलो परफेक्ट 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 हो गया. ठीक है, मेरा नंबर फॉर्मेटिंग पूरी हो गई. अब मेरे को थोड़ी सी सुंदर बनाना है, सुंदरता की मूरत हो. ओके, क्या क्या फालतू की बातें करता हूँ यार मैं भी, शिट. कभी कभी आई फील दैट व्हाट आई एम डूइंग. चलिए, इसको छोटू कर लेंगे, 7 पिक्सल 8 पिक्सल कर लेंगे. ठीक है, इस वाले को कंट्रोल वन ठक ठक, ऊपर छोटा नीचे मोटा, ऐसे करके ध्यान रखना भाई. ठीक है, इसको चाहिए तो डब्बे वब्बे में डाल दो, अगर डालना है तो डाल दो, आपकी मर्जी है. ना प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये वाला कंट्रोल वन फुल वन, पहले कलर लेंगे, फिर बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे, फिर ठक ठक ठक, इसमें कंट्रोल वन, पहले कलर, फिर बॉर्डर, बॉर्डर ऊपर छोटा नीचे मोटा, ध्यान रखना. और इस वाले को फिर से मैं वही 8 पिक्सल पे ले आऊँगा. चलो, और मैं इसको है ना एज इट इज कॉपी कर देता हूँ नीचे, एक लाइन छोड़ के यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ. तो ये मेरी ग्रोथ आ गई है. ठीक है, ये वाली कि मेरी 4 ईयर की एवरेज ग्रोथ 21.94 है. गलत है, मैं वही बता रहा हूँ. क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एबिट मैंने टाटा मोटर्स का लिया है. लेकिन क्या ये आपको फॉर्मेट बनाना समझ में आ गया कि कैसे बनेगा मॉडल इसका? ग्रोथ रेट निकालने का एक और तरीका बताया है. पहले हमने 2 तरीके ऑलरेडी देखे हैं स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस में. ठीक है, लेकिन ये एक तीसरा तरीका मैंने और बताया आपको सिर्फ ग्रोथ रेट निकालने के लिए, कि कैसे निकलेगा ग्रोथ रेट. ओके, सो और ये बहुत पब्लिक, हमने सारा का सारा पब्लिकली अवेलेबल डेटा ही यूज़ करा है इसके अंदर. तो हमने कोई ऐसा तो करा नहीं कि कोई प्रोप्राइटरी ऑप्टेन ऐसा कुछ, मतलब एनी वन कैन डू इट, राइट? इट्स ऑल अवेलेबल ओवर देयर. आप चाहो जब चाहो तब इसको कर सकते हो. ठीक है, और जिस कंपनी पर आप चाहो उस कंपनी पर कर सकते हो. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट सेव दिस फॉर यू, एंड मैं काम करता हूँ, मैं सीधे सीधे स्क्रीनर ओपन करता हूँ, मेरा स्क्रीनर ओपन करता हूँ, एंड स्क्रीनर पे जाके मैं वही काम करता हूँ वापस, स्क्रीनर और एक्सेल. इसमें मैं फाइल चूज कर लूँगा, कर लूँ, आप बोलो तो कर लूँ, आपसे छुपा के करूँगा, लेकिन दिखाऊँगा नहीं आपको कौन सी करी है. वही करिए यार जो बनाई है, छिल रहा हूँ. ये वाली एक्सेल फाइल इसको अपलोड कर देंगे. एशियन पेंट्स एक्सपोर्ट टू एक्सेल, देखते हैं खुल के क्या होता है, कैसी निकलती है फाइल. इनेबल करेंगे भाई, ये सिर्फ ग्रोथ रेट के लिए काम करेगी. हाँ, ये सब हमने हार्ड कोड करा हुआ है, ध्यान रखना, ये सब आपको खुद करना है. ग्रोथ रेट अब जो निकल रही है, क्या वो एशियन पेंट की निकल रही है? देखना क्या एशियन पेंट की ग्रोथ रेट है. अरे इसका कलर गलत है, बोलते भी नहीं हो यार. हाँ, क्या ये ग्रोथ रेट एशियन पेंट की निकल रही है? अब चेक कर लेते हैं. We just go and check अपना EBIT क्या आ रहा है, reinvestment rate क्या आ रहा है, उससे भी समझ में आ जाएगा. हाँ भाई,
अब ये एशियन पेंट का निकल रहा है पूरा पूरा, ठीक है ना? प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ जस्ट चेक, कुछ डिफरेंस आ रहा है क्या? या कुछ गड़बड़ कर दी अपन ने? ये कैसे हो रहा है? 15.57। लेट मी जस्ट चेक गाइस। हाँ बराबर है आपकी ग्रोथ रेट, अब निकल जो रही है वो एशियन पेंट्स की निकल रही है। कोइंसिडेंस है भाई, एक मिनट रुको, क्या कोइंसिडेंस है? अबे इतना खतरनाक कोइंसिडेंस कैसे हो गया? सीरियसली कोइंसिडेंस है? लेट मी जस्ट चेक इट मैनुअली। हाँ 16.32 आ रहा है, और मैं इसको चेक करता हूँ तो भी 16.32 आ रहा है। कोइंसिडेंस है तो कोइंसिडेंस है, कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ 16.32 आ रहा है, गजब हो गया है तो यार, डॉट टू डॉट सेम आ रही है, क्या बात है। चलो हाँ लेट मी जस्ट चेक एक बार और, मैं क्रॉस चेक करता हूँ बिफोर वी फाइनलाइज दिस पर्टिकुलर थिंग। क्या मेरा जो इबिट अब निकल के आया है वो इबिट डेटा शीट से आया है? हाँ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल से आया है, मैं बिल्कुल सेफ हूँ अभी। और लास्ट वाले में हिस्टोरिकल, लास्ट वाले में इबिट क्या निकल रहा था उससे भी चेक कर लेते हैं एक बार। सो ये हमारी शीट है जो हम बना रहे थे यूजिंग टाटा मोटर का, दीज आर टाटा मोटर के इबिट, और रॉइक का क्या डिफरेंस है वो एक बार, और ये एशियन पेंट्स का है। व्हाट विल डू इज इंट्रिंसिक ग्रोथ में आएंगे एंड यप परफेक्ट परफेक्ट। चलो तो ये हमने बताया कि हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब एक बात और सुनना जो मुझे आपसे करनी है यार। सबसे पहले तो है ना, कॉमन स्टेटमेंट एनालिसिस में सिर्फ बहुत कम लोगों ने अभी तक, मेरे को पता है बहुत टफ दे दिया कि आप लोगों को, मेरे को नहीं देना था इतना टफ, आई नो दैट वी यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है यार, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू समथिंग कि अगर इफ़ यू रियली फील दैट आई हैव एडेड अ लॉट ऑफ वैल्यू इन यू नो इन योर लर्निंग जर्नी, तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट अस इन टर्म्स ऑफ स्प्रेडिंग द वर्ड। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मे बी लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ डू दैट। आप यू नो इफ़ यू लाइक टू चेंज योर लिंक्डइन गेम, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, बट हाँ वो बहुत इफेक्टिव है एंड मैं बहुत जल्दी एक डेटा और एनालिटिक्स लेके आप लोगों के सामने आऊँगा। सो इफ़ यू वॉन्ट रियली वॉन्ट टू चेंज योर लिंक्डइन गेम फॉर एवर, देन यू नो यू शुड कंसिडर इट, यू शुड कंसिडर जॉइनिंग आर नेक्स्ट कोहर्ट। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये पूरी शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फॉर श्योर। और अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ऑलमोस्ट DCF कंप्लीट कर देंगे एंड फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमको नई सीरीज़ किस पे स्टार्ट करनी है, या फाइनेंशियल मॉडलिंग में और एडवांस कंसेप्ट्स पे लेके आना है, वो मैं एक लाइव में बता दूंगा आपको। फ्राइडे लाइव होता ही अपना, एवरी फ्राइडे 9 PM, तो आप वो लाइव ज़रूर ज्वाइन कीजिए। एंड हाँ हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो करो यार, प्लीज़ नीचे जाके जल्दी से, क्या कर रहे हो, ठीक है, प्लीज़ डू दैट। और कुछ है क्या? और कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। दिस इज़ पार्थ वर्मा, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, बाय बाय। इस हाथ से करता हूँ, बाय बाय। और ये लिंक्डइन का वीडियो है अगर आपको देखना है तो, जस्ट इन केस, ठीक है। हाँ यही है ना, हाँ यही है, ठीक, बाय बाय।